ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दो स्मार्टफोन्स की। तो वीडियो को बनाना है इसके शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट बात करेंगे लॉन्च डेट की। तो लॉन्च डेट है अगस्त एंड सितंबर, देख सकते हैं। बॉडी की बात की जाए तो फ्रंट में ग्लास प्लास्टिक, प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक एल्युमिनियम, तो पोको इसमें जीत गया। डिस्प्ले की बात की जाए तो इन्फिनिक्स जीत गया। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो पोको जीत गया इसमें। प्रोसेसर की बात की जाए तो पोको जीत गया। रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो इन्फिनिक्स जीत गया। और कैमरा की बात की जाए तो पोको ही जीत गया। यस, और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो इन्फिनिक्स जीत गया। और बैटरी की बात की जाए तो पोको जीत गया। और चार्जिंग के मामले में दोनों ठीक ही है। प्राइस की बात की जाए तो इन्फिनिक्स बजट स्मार्टफोन है। बट अब बात करेंगे हम कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है। मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ कि हाँ, अगर मेरा बजट है पोको ख़रीदने का तो पोको ही ख़रीदिए। आपका बजट अगर अंडर 20 है तो पोको ही ख़रीदिए। अंडर इन्फिनिक्स है, अंडर सॉरी गाइस अंडर 15 है तो इन्फिनिक्स ही ख़रीदिए। बहुत अच्छे स्मार्टफोन से दोनों अच्छे हैं। प्रोसेसर के मामले अगर गेमिंग करना चाहते हैं तो पोको थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा, यस गाइस थोड़ा सा अच्छा है बस, वरना दोनों सेम है। इन्फिनिक्स जो स्मार्टफोन है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। यस, पोको पीछे छोड़ गया, पोको पीछे हट गया दिखने के मामले में। बट बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ऐसा है। तो स्मार्टफोन्स तो दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर लुक वाइज कहूँ तो पोको इन्फिनिक्स ख़रीदिए। और लुक वाइज पोको भी अच्छा है, पोको भी अच्छा लुक है। और उसमें पोको में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इन्फिनिक्स में, बट 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, कौन सा ख़रीदेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। और मुझे बताइए कि वीडियो कैसा था, तो ऐसी वीडियोस में और आगे बनाऊंगा। थैंक यू फॉर मच फॉर वॉचिंग।